हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आए राजस्थान की तरफ से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो नोटिफिकेशन वो है RE 2021 नोटिफिकेशन आउट फॉर 32,000 Grade 3 टीचर पोस्ट एग्जाम डेट रिलीज। तो आज हम बात करेंगे RE 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप फिर किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, RE 2021 नोटिफिकेशन आउट फॉर 32,000। तो यहाँ पे देखिए, जो टीचर की पोस्ट मेंशन कर रखी वो 32,000 Grade 3 टीचर पोस्ट है, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जो है आ चुका है, तो इसे आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने मैसेज कर रखा है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने रिलीज एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, जिसे हम RE 2021 भी बोल रहे हैं, ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑन 5 जनवरी। तो आज के दिन ही जो है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आया है। और यहाँ पे देखिए आप, जो वैकेंसीज है वो बहुत ही ह्यूज है, यानी कि 32,000 Grade 3 टीचर पोस्ट की वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। अगर हम बात करें इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट की, तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका स्टार्ट डेट 11 जनवरी 2021 और जो लास्ट डेट है वो मेंशन कर रखी 8 फरवरी 2021, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, एग्जाम नेम राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर, पोस्ट का नाम Grade 3 टीचर, और जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ मेंशन कर रखी। तो एग्जाम डेट 25 अप्रैल 2021 है, स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 11 जनवरी 2021, क्लोजिंग डेट जो है वो 8 फरवरी 2021, और जो वैकेंसीज है वो ये बहुत ही ज्यादा है, 32,000, तो इट्स अ ह्यूज वैकेंसीज, ठीक है। और जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो 14 अप्रैल 2021 को रिलीज होगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रहेगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे। इसके अलावा जो आपका लोकेशन रहेगा जॉब का वो रहेगा राजस्थान। और यहाँ पे इन्होंने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर रखी है कि आप जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन RajEduBoard.Rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके जो है आप इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है वो मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि RE 2017 के एग्जाम में हुआ था कि आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी था वो 60% मार्क्स था, ठीक है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 36% जो मार्क्स था वो आपका जो है एलिजिबिलिटी था, ठीक है। अब यही चीजें जो है उन्होंने 2021 पे भी मेंशन कर रखा है। तो अगर आप जनरल हैं तो आपको यहाँ पे 60% आपका जो है रहेगा आपका एलिजिबिलिटी या जो मिनिमम मार्क्स लाइक परसेंटेज। वहीं अगर आप जो है किसी अदर कास्ट के हैं तो आपका यहाँ पे जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा 36%, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी इन्होंने कर रखा है कि RE 2017 में नॉट TSP का 60 था परसेंट और TSP का 60, वही RE 2021 में जो है वो है 60 नॉन TSP का, TSP का 60, ठीक है। उसके अलावा ST का देखिए यहाँ मेंशन कर रखा 55 जो है वो नॉन TSP का है और 36% जो है ऑलरेडी वो है आपका ST का। वहीं अगर बात करें SC का, तो SC का यहाँ पे देखिए 55 रहेगा, चाहे आप SC के हो, चाहे OBC, चाहे MBC या EWS, तो आपका यहाँ पे जो परसेंटेज रहेगा वो रहेगा 55, मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो 55 रहेगा। और RE 2017 में 60 था लेकिन RE 2021 में 55 कर दिया। तो ऐसे अगर आप देख सकते हैं, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना मिनिमम जो क्वालिफाइंग लाइक परसेंटेज वो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, और यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि आपका जो मिनिमम जो 50% मार्क्स होना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर यहाँ पे पूरा मार्क्स दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मिनिमम जितना कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो है UG डिग्री के साथ आपका BEd जो है कंपल्सरी है, BEd होगा तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है रीट में जो भी आपका जो अंक मिलेगा, ठीक है, पूर्वता पहले देखते तो यहाँ 70 था और अकादमिक था वो 30 था, वहीं अब प्रेजेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 कर दिया गया है रीट पे प्राप्त अंकों का वेटेज, और यहाँ पे जो अकादमिक भार का जो वेटेज है वो 10 है। तो ये भी आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बता रखा है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख ली थी। आपको बीएड जो है या डीएलएड या बीएड जो है वो आपका जो है कंपलसरी होना ही चाहिए आपका यूजी डिग्री के साथ। इसके अलावा अगर आप जो है एक परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ी 550 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, यानी और अगर आप दोनों परीक्षाएँ दे रहे हैं, दोनों एग्जाम दे रहे हैं, प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर का दोनों एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 750 रुपीज़ जो है वो वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एग्जाम डेट मेंशन कर रखी 25 अप्रैल 2021 रविवार को यानी संडे को, और जो वेबसाइट में ऑनलाइन लो एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट 11 जनवरी है, और जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2021 यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा देखिए जो आपका जो एप्लीकेशन लाइक एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने का डेट 14 अप्रैल है, और जो एग्जाम है वो आपका 25 अप्रैल 2021 होगा। तो देखिए आप एग्जाम डेट मेंशन कर रखी 25 अप्रैल 2021, तो आप इसके डेट के अकॉर्डिंग जो है अपना तैयारी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम का जो टाइम है वही मेंशन कर रखा है, कक्षा 6 से 8 वालों का जो एग्जाम है वो रहेगा आपका प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक। वहीं जो एग्जाम जो रहेगा जिसमें आपको पढ़ाना हो कक्षा 1 से 5 का, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम रहेगा वो 2:30 to 5 PM तक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए स्तर देती है कक्षा 6 से 8 का एक अलग एग्जाम डेट रहेगा, वहीं अगर आपके बात के स्तर प्रथम का, तो यहाँ कक्षा 1 से 5 का जो है अलग जो है एग्जाम का टाइम रहेगा, लेकिन जो एग्जाम डेट रहेगी वो आपकी सेम रहेगी 25 अप्रैल 2021 संडे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।